अभी बाहर फूफी आ गई हमारी दूसरी वाली, तो उनसे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जब कोई भी बाहर आता है तो ये सारे लोग अंदर आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये हम सब बचपन में करते थे, ऐसा होता है। हम लोग थोड़े से क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट है। वहाँ पे मेहर बीमार है और आज हमारी मधा में लास्ट नाइट है। टीचर्स डे का है, हम लोग उस दिन भूल गए थे ना, भूल नहीं गए थे, लेट हो गया था, पैकिंग कर रहे थे ना। देना चाहिए था। अब पैकिंग लोग... तो बहुत अच्छी है, पेपर बहुत अच्छे है। अच्छा है ना, तो डायरी है। अरे ऐसे कैसे पैसे आ गए, भाग गई है। कुछ खाने की चीज है, मिठाई का डब्बा। मैं इसको गैस नहीं कर पा रही। तुमने पैक किया? कौन करेगा? लगी रात पेन है क्या? पेन है। कितने खराब पहले से बोलते थे हो। इतना बड़ा पेन का डब्बा। ओ ओ वाह, रजा थैंक यू, सो स्वीट। लोगों को लगेगा तुम क्या सिखाती हो। क्या सिखाते हैं? अच्छा सिखाती हूँ तो पूरा पढ़ाती हूँ। बचपन में किसने पढ़ाया है? जो बचपन में पढ़ाते हैं वही याद रहता है। अच्छे बनो ताकि मेरा नाम हो, लोगों को ये ना लगे कि हमने तुम्हें कुछ गलत सिखाया है। हम जानते हैं कि तुम दोनों जो बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आजकल के बच्चे मतलब सब अच्छे है, लेकिन हमें पता है कि जमाने में अच्छे भी है और बुरे भी है, लेकिन हमें इस बात का सुकून है कि वो जैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे है। और हर एक इंसान एकदम अच्छा नहीं होता है, तो इंशाल्लाह ये लोग और अच्छे बनने के लिए हर दिन कोशिश करनी चाहिए एक इंसान अच्छे बने। पता है अच्छा इंसान कौन होता है? सबसे अच्छा इंसान वो नहीं होता कि वो जो बहुत ज्यादा डिग्री ले ले या बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो। अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों को तकलीफ ना दे। अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों के काम आए। हमेशा ये दिल सोचो कि मैं कैसे सबकी हेल्प कर पाऊँ, मैं कैसे सबके काम आ पाऊँ। ठीक है। जहाँ तक रही रिजा की बात, वो बचपन से ही इब्राहिम फैमिली में बड़ी हुई है, तो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही कम वक्त उसने गुजारा है। तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें एटीट्यूड है, लेकिन बस वो इब्राहिम फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वहाँ पे जितना खुश रहती है शायद अपने माँ बाप के पास ना खुश रहती हो। तो बस बेटी हाला जो है वो उसकी जो है ना वो मतलब कि उतना टाइम ही नहीं दे पाती, ना बेटी माँ को ना माँ बेटी को। तो आपके कह रहा है वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।